हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग मजे में होंगे। और रात के 8 बजे हैं और अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ और 9 बजे मुझे ये व्लॉग पब्लिक करना है, तो पता नहीं कैसे होगा। शायद आज व्लॉग लेट आएगा और 2 दिन से मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं है, कोई भी व्लॉग नहीं बनाया है, तो बनाया भी नहीं है वरना ही मैंने पब्लिक किया है। क्योंकि कभी कभी आपके साथ ऐसी बात हो जाती है कि आप फ्री होते हुए भी आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता है, और मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है। और देखिए, ये मैंने मेहंदी लगाई थी कल, क्योंकि कल मैं ऐसा ही था कि कल मैंने व्लॉग बनाया भी था और आधा व्लॉग बन भी चुका था, पर मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ और सोचते हैं तो फिर हम कहाँ तक सोच लेते पता नहीं चलता, तो उससे अच्छा यही रहता है कि हम कुछ काम कर लें। तो मेहंदी मेरे घर में पड़ी थी, मेहंदी के कौन, तो मैंने सोचा चलो मेहंदी लगा देते हैं। तो फिर बैठे बैठे मैंने मेहंदी लगा दी। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे व्लॉग रेगुलर नहीं आते हैं, आप तक नहीं पहुँचते हैं मेरे व्लॉग, और मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है। मुझे सच में गर्मी लग रही है इसलिए बार बार ऐसा कर रही हूँ। मुझे सच में अच्छा नहीं लगता अगर मेरा एक भी व्लॉग टाइम पर नहीं आता है, एक दिन चला जाता है तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, और उसकी वजह यही रहती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ऐसी आपके साथ, या कुछ कोई बोल देता है तो आपका मन नहीं लगता कुछ काम करने का, कुछ भी नहीं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि अगर आप सामने से किसी का नाम नहीं लेते हो, कुछ भी नहीं करते हो, फिर भी वो लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ बोल देते हैं, और वो ऐसा चाहते हैं कि आप उनको समझो, पर वो आपको समझने का मतलब कि थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकालते हैं या कोशिश नहीं करते हैं, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। तो बस मैं पहले मुझे ऐसा होता था, कोई अगर मुझे एक दो बात सुना जाता था पीठ पीछे या सामने, तो मैं क्या करती थी कि वो बात दिमाग में इतना डाल देती थी कि उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। मैं कोई काम नहीं करती थी, या काम तो करती थी पर कुछ भी काम करो सुबह से शाम तक बस वही दिमाग से जाता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था या तो वो जिसने ऐसा बोला है उसके साथ जाकर मैं या तो झगड़ा कर लूँ, या तो 2-4 बातें सुना लूँ, या उसके साथ कुछ भी कर लूँ, ऐसा हो जाता था। तो ऐसे ही जब वो सामने आ जाता था वो इंसान, तो भी मुझे ऐसा लगता था कि इसको बोल दो उसको बोल दो। फिर मैंने सोचा कि यार आप कितने लोगों को वो सब कुछ सुनाओगे, एक हो आप अकेले हो, और ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके घर में ही होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी होते हैं, तो आप किन किन लोगों को सुनाने के लिए जाओगे? उससे अच्छा है, उससे बेटर यही है आप अपने आप को चेंज करो। तो फिर मैंने सोचा कि जाने दो यार, मुझे किसी से नहीं सुनना, किसी कोई जो भी बोले मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है। तो मैंने यही सोचा कि जो व्यक्ति जब आप उनके बारे में ना ही किसी से बात करते हो, ना ही उसके पीठ के पीछे कुछ बात करते हो, गंदी बात या अच्छी बात, उनका नाम ही नहीं लेते हो, तो वो व्यक्ति अगर आपको 2-4 बातें सुना जाता है तो उसकी इतनी ही सोच है, इतनी छोटी सी ही सोच है, और इंसान इतना छोटा सा ही है सोचने में, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता, अच्छा नहीं बोल सकता, तो वो खुद वही है, वो भी इतना अच्छा नहीं है। अगर अच्छा इंसान हो तो आपके बारे में कुछ भी ऐसे, सॉरी ये तो रहेगा आवाज़, जो इंसान आपके बारे में इतना सब कुछ बुरा बोल जाता है, सुन जाता है, जबकि वो उसको आपके बारे में शायद पता होता है फिर भी, या तो उसको आपके बारे में पता नहीं होता है फिर भी, तो मुझे वही इग्नोर करना है। तो आज मैंने सब कुछ दिमाग से निकाल दिया कि मेरी गलती नहीं होती है, फिर भी लोग मुझे 2-4 बातें सुना चाहते हैं तो कोई बात नहीं यार, जाने दो, सबकी अपनी अपनी सोच है, जो अच्छा सोचता है तो उसकी अच्छी सोच है, जो आपके बारे में गलत बोलता है तो उसकी सोच इतनी सी है, तो उसको अपनी सोच के साथ रहने दो। और मेरा यही फंडा रहता है कि मैं भी सीख गई हूँ कि अगर आपको कोई पसंद नहीं करता है तो कोई बात नहीं यार, दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है। जो लोग हैं आपके पीछे 2-4 दिन रोएंगे, बाद में आपको याद भी नहीं करेंगे, तो मुझे वो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको किसी के साथ ऐसा लगता है कि आपके वो आपके बारे में अच्छा नहीं बोलता है या आपको पसंद नहीं करता है, तो मुझे उससे पसंद भी नहीं करवाना है, उससे दूरी बना लो, और मैं दूरी ही बना लेती हूँ। ज़्यादा
इन्वॉल्व नहीं होती हूँ उसके साथ, बस दूर से ही नमस्कार ऐसा करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर इसी बात पर बातें करने के लिए बैठेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ का व्लॉग यहीं पे ही बन जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने चावल बना दिए हैं और आज बच्चों को खाना था चना, चने की सब्जी और चावल। चावल मेरे बन गए हैं और यहाँ पे देखिए मैंने तेल लगा दिया है और यहाँ पे मैंने ग्रेवी भी रेडी कर दी है। तो फटाफट से मैं चने की सब्जी बना देती हूँ। और देखिए मैंने देसी काले चने लिए हैं, तो चलो फटाफट से उसका तड़का लगा देती हूँ। और ग्रेवी के अंदर देखिए, आज मेरे घर पे टमाटर कुछ भी नहीं था, तो बस मैंने अदरक लहसुन और प्याज और जो रेगुलर मसाले हैं वही ऐड करके मैंने ग्रेवी बनाई है। तो चलो मैं तड़का लगा देती हूँ। मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ, जीरा आधा चम्मच से कम ऐड किया है और सरसों दोनों का मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। और ये चटक जाए तब तक मैं लाल मिर्च भी डाल दूंगी। तो मैं इसके अंदर ही लाल मिर्च रखती हूँ, तो ये भी ऐड कर दूंगी। और पहले ऑयल गर्म हो गया था, तो फिर मैंने जब आपसे बात कर रही थी तो फिर मैंने सोचा कि बंद कर दूँ और इसको ठंडा कर दूँ, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म हो गया था। तो चलिए इसको चटकने देते हैं और तब तक सारी जो प्रोसीजर है वो मेरी रेडी है, बन गई है। तो बस देखते हैं। और कल का व्लॉग मैं शायद बनाऊंगी पर्दे का, जो मुझे मंदिर का पर्दा बनाना था, आपसे भी मैंने बोला था कि मुझे मंदिर का पर्दा बनाना है। तो कल मैं देखती हूँ, अगर आज हो सकेगा तो कटिंग सब कुछ करके रखूँगी। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ। और कसूरी मेथी भी ऐड कर देती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, मैं एक बार वापस से आपको बता देती हूँ कि ग्रेवी मैंने किस तरह से बनाई थी। तो देखिए, मेरे घर में टमाटर भी नहीं था और हरी मिर्च भी नहीं थी, तो मैंने दो मीडियम साइज के प्याज लिए, 7-8 लहसुन लिए, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया, 7-8 मैंने क्या बोलते हैं उसे, हाँ 7-8 मैंने करी पत्ता लिया। और उसके बाद रेगुलर मसाले जो चने ऐड करने वाले हैं उसी हिसाब से सारे रेगुलर मसाले ऐड किए हैं और सबको अच्छे से मैंने पीस लिया है। और काजू भी मैंने डाले थे 7-8, ठीक है। इस तरह से मैंने पेस्ट बनाई है और इसका तड़का लगाकर मैं इसको ग्रेवी को अच्छे से सेक लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बनकर रेडी है और मैंने थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी रखी है क्योंकि चावल के साथ खानी है। अगर आप रोटी या पराठे के साथ खाने वाले हो तो ग्रेवी थोड़ी सी कम रखिएगा, और या तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। पर देखिए, आपको देखकर ही पता चल चुका होगा कि सब्जी कितनी टेस्टी बनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से डिनर कर लेते हैं, वैसे भी आज बहुत लेट हो गया है, भूख भी बहुत लगी है। क्यों हुआ नहीं सर? स्वादिष्ट ऊपर से वो दिवस मजा है।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने खाना खा लिया है और अभी सबका खाना हो रहा है। और इन दोनों की तो ये फेवरेट रेसिपी है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बनी है राइस और चने। पहले बहुत बनती थी राइस और चने, या फिर राइस और पनीर की सब्जी ग्रेवी वाली, तो इन दोनों को बहुत पसंद है। तो अभी इनका खाना हो रहा है और मेरा हो गया। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 8:30 और मेरा खाना हो गया। तो बस फ्रेंड्स, मुझे पता है कि 2-3 ब्लॉग से बहुत नेगेटिविटी आ रही है मेरे ब्लॉग में, क्योंकि मैं ऐसी ही बातें लेकर आ जाती हूँ आपके साथ, और मुझे वो नहीं चाहिए। जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, उससे मैं दूर रहती हूँ। और आजकल मेरे वीडियो में वही हो रहा है, मेरे ब्लॉग में मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ, तो मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए। पर नेक्स्ट जो भी ब्लॉग आएगा बहुत अच्छा आएगा। मैंने जैसे बोला कि मुझे पर्दे बनाने हैं, और मैंने जो मटेरियल है आपके साथ शेयर कर लिया है, और 2-3 साड़ी और भी निकाल कर रखी हैं, पर वो सब कुछ आज आपके साथ शेयर करूँगी तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। और मुझे ज़रूर बताना कि मेरी ये बातें आपको कैसी लगती हैं। अच्छी लगती हो तो अच्छे कमेंट करना, अच्छी नहीं लगती है तो बता देना कि नहीं अच्छी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी से नए एक ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।